नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहारी स्टाइल आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी को आज हम बनाएंगे चूल्हे पे और इसका जो स्वाद है बहुत ही लाजवाब आएगा। तो चलते हैं आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हा जला के तैयार कर लेंगे, और अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो गैस ऑन कर लीजिए। थोड़ा सा हम इस पे मिट्टी का तेल डालेंगे ना, तो चूल्हा हमारा जल्दी जल जाता है। तो चूल्हा यहाँ पे हमारा अच्छे से जल चुका है। अब हम इस पे कढ़ाई रखेंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए, यहाँ पे आप 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दें, क्योंकि सरसों के तेल में सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और बिहार में स्पेशली लोग सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, यहाँ पे आप 2 तेज़पत्ता डाल दें, 1/2 चम्मच साबुत जीरा और थोड़ा सा मेथी के दाने डाल दें। तड़का यहाँ पे अच्छे से चटकने लगा है, आप देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे 2 मीडियम साइज के लंबे आकार में कटे हुए प्याज डाल दें और प्याज को 2 से 3 मिनट तक भून लें, या इसे तब तक भुनें जब तक कि प्याज आपकी हल्की सी नरम ना हो जाए। प्याज यहाँ पे हल्की सी नरम हो गई है। अब आप यहाँ पे कटी हुई गोभी डाल दें। तो मैंने यहाँ पे 1/2 किलो कटी हुई गोभी ली है और गोभी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट के डाला है। गोभी को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। और प्याज को हमने पहले इसलिए थोड़ा सा कम भुना था ना, क्योंकि अगर हम पहले ही प्याज को सुनहरा कर देते और बाद में गोभी के साथ भुनते ना, तो क्या होता ना कि प्याज यहाँ पे जलने लगती। तो गोभी को आप यहाँ पे तब तक भुनें जब तक कि ये हल्का सा सुनहरा होना शुरू ना हो जाए। गोभी को भुनते हुए यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हल्की सी सुनहरी होने लगी है। तो अब आप यहाँ पे कटे हुए आलू डाल दें। मैं यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू को कट करके डाल रही हूँ। आलू और गोभी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। सब्जी को आप यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लें, और अब आपको क्या करना है कि इसे ढक के 7-8 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। अगर आप गैस पे बना रहे हैं ना, तो गैस का आंच धीमा रखें। जब तक हमारा सब्जी भुन रहा है, तब तक हम मसाला इधर पीस के तैयार कर लेते हैं। तो 20 से 25 मैंने यहाँ पे छिली हुई लहसुन की कलियाँ, 6 से 7 सूखी लाल मिर्ची, 1/2 इंच गोटा हल्दी लिया है मैंने, 15 से 20 काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी और 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है मैंने। और जब आप सिलबट्टे पे मसाले को पीस के सब्जी बनाएंगे ना, सब्जी का स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा। नॉर्मली जब हम सब्जी बनाते हैं ना, तो हम पीसे हुए मसाले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिहार में अभी भी लोग सिलबट पे मसाला पीस के सब्जी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस सब्जी की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे एक बार हमारा मसाला पीस गया है, लेकिन मसाला अभी काफ़ी मोटा है, तो एक बार हम इसे और पीसेंगे ताकि ये अच्छा बारीक हो जाए। और जब हम सिलबट्टे पे मसाला पीसते हैं ना, तो बीच में हम थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हैं, इससे मसाला हमारा अच्छे से पीस जाता है। तो मसाला यहाँ पे पीस के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में उठा लेंगे। इस प्रकार से मसाले को एक जगह इकट्ठा करेंगे और सिलबट के कॉर्नर पर हम पहले मसाले को लाएंगे, ये देखिए। और अब आप इस प्रकार से इसे उठा लें। थोड़ा सा हम सिलबट्टे पे पानी डाल के जो बचा हुआ मसाला है ना, उसे भी इस प्रकार से उठा लेंगे। और मसाले को पीसने के बाद सिलबट्टे को हमें हमेशा धो के रखना होता है, तो पानी डाल के इस प्रकार से इसे धो दें। इधर सब्जी को भी हम चेक कर लेते हैं। और चूल्हे का आँच मैंने बिल्कुल कम कर दिया था ताकि ये जले ना। और ये देखिए, सब्जी हमारा यहाँ पे अच्छे से भुन गया, क्योंकि आलू के ऊपर भी हल्का सा एक सुनहरा लेयर सा आ गया है। तो हमने जो मसाला पीस के रखा था वो डाल देंगे, और प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ मसाला है उसे भी हम निकाल के डाल देंगे। मसाला हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बहुत मेहनत से सिलबट पीसा है ना हमने इसे। साथ ही साथ यहीं पे आप एक बड़े आकार का कटा हुआ टमाटर डाल दें। अब मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। मसाले को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। धीमी आंच पे अब आप मसाले को तब तक भुनें जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से पक ना जाए और जो मसाला है वो अच्छे से भुन ना जाए। बीच बीच में खोल के एक आध बार हम मसाले को चलाते ज़रूर रहेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। और चूल्हे पे बना रहे हैं तो
चूल्हे का आँच उतना कम नहीं हो पाता है जितना हमारा गैस का कम होता है, तो बीच बीच में हमें इसमें थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि मसाला बर्तन के तले से जले ना। सब्जी को भूनते हुए यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम खोल के चेक कर लेते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से भुना है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोभी हमारी यहाँ पे अच्छे से नरम हो गई है और सब्जी में से तेल अलग होने लगा है, तो ये मसाला भुनने की पहचान होती है। और जो हमने टमाटर डाला था वो भी यहाँ पे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे लगभग 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ, आप अपनी सब्जी में ग्रेवी के अनुसार पानी डाल सकते हैं। और मैं आज की जो सब्जी है वो हल्की सी ग्रेवी के साथ बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो पानी आप अपने हिसाब से इसमें डालें। सब्जी को ढक के यहाँ पे आप 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 से 6 मिनट बाद आप सब्जी को खोल के चेक कर लें कि सब्जी आपका यहाँ पे अच्छे से पका है कि नहीं। तो एक आलू को कट करके देख लें, तो आलू यहाँ पे अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे चूल्हे पर से उतार लेंगे। आप इस सब्जी को रोटी से, पराठे या चावल किसी के साथ भी सर्व करें, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हमने गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है पीसे हुए, क्योंकि हमने सारे साबुत गरम मसाले पहले ही पीस लिए थे। तो इन सभी मसालों के साथ जब आप इस सब्जी को बनाएंगे ना, सब्जी का स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा। तो एक बार इस सब्जी को ट्राई करना तो बनता है, और चूल्हे पर जब बनाएंगे ना तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो मैं चलती हूँ इस सब्जी का आनंद उठाने अपने परिवार के साथ। आप भी बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। रेसिपी को बनाते समय कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।